तो नाम में क्या रखा है बात करते हैं काम की। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टोन मी एप्लीकेशन से अपना फ़ोटो कैसे बनाएं। दोस्तों अगर आप भी सीखना चाहते हैं, आप भी जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। टोन मी एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर में जाके आप टोन मी टाइप करोगे तो आपके सामने ये एप्लीकेशन आ जाती है। या इसके नाम और आइकन की कर लीजिए पहचान। इस एप्लीकेशन से आप अपना बहुत ही बढ़िया कार्टून फोटो क्रिएट कर सकते हैं, कमाल का, ठीक है, और बहुत ही आसानी से। तो इसे इंस्टॉल करने के बाद कीजिए ओपन, जो भी परमिशन वगैरह मांगे उसे अलाउ कर देना है। और जहाँ पर देखिए ये एप्लीकेशन हो चुका है ओपन, जहाँ ये ट्रेंडिंग है यहाँ पे क्लिक करोगे टॉप, यहाँ ये जो फोटोज़ दिखाई दे रहे हैं अपने किस तरह का फ़ोटो बनाना है, ठीक है, वो सिलेक्ट कीजिए। जहाँ ये जो पहला है मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। इस पर क्लिक किया और अब जहाँ नीचे जो गैलरी में फ़ोटोज़ हैं वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर गैलरी में नहीं तो जहाँ कैमरा पर क्लिक करके आप अपना फ़ोटो क्लिक कीजिए। मैं एक फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद जहाँ ओके और जहाँ इस पर क्लिक कर देता हूँ ये वाले आइकन पे, इसमें कुछ ऐड वगैरह आते हैं, इसको जहाँ से मैं क्रॉस कर देता हूँ ऐड को, प्रोसेसिंग चल रही है। जहाँ देखिए ये काफ़ी फ़ोटोज़ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, मेरे जो मैंने फ़ोटो क्लिक किया उसके जैसे इसने कई सारे फ़ोटो क्रिएट कर दिए। और ऊपर जहाँ क्लीन शेप वाले कर दी, मेरे थोड़ी थोड़ी दाढ़ी है तो जहाँ दाढ़ी वाला फ़ोटो है जो वो मुझको अच्छा लग रहा है, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे इनमें से उस पर क्लिक कीजिए। फिर से प्रोसेसिंग होगी। अब जहाँ राइट से ऊपर तीन डॉट पे क्लिक कीजिए, उसके बाद नीचे डाउनलोड लिखा हुआ है वहाँ पे क्लिक कीजिए। वहाँ पे क्लिक करते ही ये फ़ोटो आपकी मोबाइल की गैलरी में चला जाएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में।